Today we will discuss the topic center of mass. तो center of mass क्या होता है बच्चों? Center of mass. For example, जैसे मैंने एक ब्लॉक consider किया. इस ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है. ये सारे पार्टिकल आपस में क्या बेटा? इंटरकनेक्टेड है. और इन सभी का क्या होता है? अलग अलग मास होता है. ठीक है, तो हमने क्या सोचा, इसके ऊपर एक पॉइंट ढूंढा कि अगर मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं, इसको बैलेंस कर रहा हूं, तो ये नीचे गिर रहा है. यहां लगा रहा हूं तो भी क्या कर रहा है, ये नीचे गिर रहा है. तो मैंने एक पॉइंट इसके अंदर ऐसा ढूंढा कि जहां मैं ऐसे लगा रहा हूं फोर्स, तो ये पॉइंट क्या हो रहा है बेटा? बैलेंस हो रहा है. तो हमने क्या सोचा कि जो ये सारा का सारा वेट था, ये सारा किसने बैलेंस कर दिया? इस पॉइंट के ऊपर जो आपने फोर्स लगाई, उसने क्या कर दिया? ये बैलेंस कर दिया. तो सेंटर ऑफ मास, हमने क्या सोचा कि सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर वॉल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप दैट मे डिफर. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट सिमेट्रिकल शेप, सिमेट्रिकल शेप में जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, क्या होता है बेटा? जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही क्या होता है? हमारा सेंटर ऑफ मास होता है. तो अगर हम ट्राइंगल की बात करें, तो ट्राइंगल के केस में क्या होगा? जो सेंट्रोइड है, ट्राइंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है? सेंट्रोइड है. तो दैट विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास. ये सेंट्रोइड ही क्या होगा बेटा? यहां पे इसी के ऊपर क्या होगा? सेंटर ऑफ मास मिलेगा आपको. इफ यू टॉक अबाउट ए रिंग, रिंग के केस में जो इसका सेंटर है, रिंग का जो सेंटर है, तो दैट विल बी द सेंटर ऑफ ए मास. इफ यू टॉक अबाउट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होगा कि इस टाइप से हमारे पास है डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. दैट विल बी द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. तो यही ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा बच्चों? सेंटर ऑफ ए मास होगा इस ज्योमेट्रिकल शेप का. तो क्लियर है, जो हमारे पास सिमेट्रिकल शेप होती हैं, उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही क्या होता है बेटा? सेंटर ऑफ ए मास होता है. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर वॉल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. और फॉर ज्योमेट्रिकल शेप, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही उसका क्या होता है बेटा? सिमेट्रिकल, वही उसका क्या होता है? सेंटर ऑफ मास होता है. इस सिमेट्रिकल शेप्स के लिए सारा, जो सिमेट्रिकल शेप का सेंटर ऑफ मास. क्लियर बच्चों? तो अब इसके बाद सेंटर ऑफ मास मे लाई और नॉट इनसाइड और इनसाइड द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है. तो इफ यू टॉक अबाउट रिंग, तो अगर आप रिंग की बात करोगे लाइक दिस, तो रिंग में क्या होगा कि इसका सेंटर यहां पे होगा. तो ये सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? यहां पे लाई करेगा. सो वी कैन से कि द सेंटर ऑफ मास लाइज कहां पे बेटा? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी लाई कर रहा है. इफ यू टॉक अबाउट डिस्क, अगर आप डिस्क के बारे में बोलो, तो डिस्क में तो क्या है? सारा का सारा मास यहां भरा हुआ है. तो इसलिए जो इसका सेंटर है ये हो जाएगा. और सेंटर ये होने में इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? बॉडी के इनसाइड ही लाई करेगा. क्लियर बेटा? तो सेंटर ऑफ मास की ये प्रॉपर्टीज हैं जो आगे आप स्टडी करोगे उसमें हेल्पफुल होंगी आपके लिए. तो सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग नेक्स्ट जो टॉपिक है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हमारे पास एन पार्टिकल सिस्टम है. तो सेंटर ऑफ मास फॉर एन पार्टिकल सिस्टम, वी कैन से कि एन पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास, उसका हमने क्या निकालना बेटा? सेंटर ऑफ ए मास फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हमने सोचा कि लेट देर आर एन पार्टिकल्स of mass each m1 whose position vector is given by r1. Similarly, यहाँ पे कोई दूसरा पार्टिकल है m2, और यहाँ पे हमने सोच लिया कि उसकी पोजिशन वैक्टर क्या है बेटा? आर टू है. फिर हमने सोचा कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है एम एन, और जिसकी पोजिशन वैक्टर गिवन है आर ए एन गिवन है. क्लियर बेटा?
तो इस टाइप से हमने सभी पार्टिकल्स की क्या बता दी है, पोजिशन वैक्टर बता दी। तो जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है कि दैट इज मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास, आपने किसी भी चीज की मोमेंट निकालनी है तो आप क्या कर दो, उसके मोमेंटम नहीं, मोमेंट निकाल रहे हैं हम। तो मोमेंटम जब हम, मोमेंट जब हम निकाल रहे होते हैं तो हम क्या कर देते हैं बेटा, डिस्टेंस के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हमें मास ऑफ मोमेंट, मोमेंट ऑफ मास चाहिए तो हमारे पास क्या है, मास को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहले मास की बात कर रहे होंगे तो पहले मास की मोमेंट क्या आ जाएगी बेटा, एम वन इंटू आर वन आ जाएगी। सिमिलरली दूसरे की जो मोमेंट आएगी दैट विल बी एम टू इंटू में आर टू आ जाएगी, और एनएच की क्या आ जाएगी, एम एन इंटू में आर एन आ जाएगी। सभी की हमने क्या निकाल ली बेटा, मोमेंट ऑफ ए मासेज निकाल ली। क्लियर है बात? अच्छा, अब क्या है कि इन सभी पार्टिकल्स का कोई ना कोई तो सेंटर ऑफ मास जरूर होगा, दैट में लाई इनसाइड और आउटसाइड, कहीं पे भी लाई कर सकता है। तो हमने यहां पे सोच लिया कि हमारे पास दैट इज सेंटर ऑफ मास, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और उसकी पोजीशन वेक्टर गिवन है हमारे पास दैट इज आर। तो अगर आप मोमेंट निकाल रहे हो, मोमेंट किसकी निकाल रहे हो, सेंटर ऑफ ए मास की अगर आप मोमेंट निकाल रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास की मोमेंट क्या आ जाएगी हमारे पास, एम इंटू में कैपिटल आर। यहां पे अगर डिनोट करना है तो सी ओ एम भी लिख देते हैं कि आर किसकी बेटा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर है। अब आप जब ये पता है हमें कि जो मोमेंट ऑफ मासेज है, क्योंकि जब यहां पे सभी की हमने मोमेंट ऑफ मासेज निकाली तो किसके बराबर होगी, बाय डेफिनेशन इसकी मोमेंट के बराबर होगी, क्योंकि मोमेंट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहां होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो हमने ये मास और ये मास क्या बराबर, बराबर ज्यूम कर रखा है। तो इसलिए जो इसकी मोमेंट होगी और जो ये मोमेंट का सम होगा, सभी क्या होंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू आर सी ओ एम इज इक्वल टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू प्लस सो ऑन अप टू एम एन ए आर एन हो जाएगा हमारे पास। क्लियर बेटा? तो देयरफॉर द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा हमारे पास, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू सो ऑन अप टू एम एन आर एन डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा, एम आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आर सी ओ एम आ गया हमारे पास। क्लियर बेटा? चलो अब हम इसकी कोऑर्डिनेट्स फॉर्म पढ़ते हैं कि अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करो तो आर के किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, जो आर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर सी ओ एम है जो, उसको क्या लिख सकते हैं हम, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, दैट इज द कोऑर्डिनेट फॉर्म ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर। तो आर की वैल्यू रख दी हमने। सिमिलरली ये जो आर है दैट आल्सो हैव सम कंपोनेंट्स, तो हम आर वन को क्या लिख सकते हैं बेटा, आर वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो आर टू वैक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो सिमिलरली हम आर एन को क्या लिख सकते हैं कि एक्स एन आई कैप प्लस वाई एन जे कैप प्लस जेड एन ए के कैप लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? हमारे पास सारा डाटा किसमें आ गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में आ गया है। अब जब आप इसकी वैल्यू रखोगे इस इक्वेशन के अंदर, दैट इज अवर बेसिक इक्वेशन जो आपके हमेशा काम आएगी और आपने इसको रिमेंबर भी रखना है। तो क्लियर है? हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें अगर हम,
कि जो मोमेंट है हमारे पास वो क्या आएगी वेक्टर फॉर्म के अंदर। वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि आर सी ओ एम इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप आ जाएगा हमारे पास। तो दैट इज इक्वल टू वन बाई एम टाइम्स किसके, एम वन इंटू आर वन, तो एम वन इंटू एक्स वन आई कैप प्लस एम टू इंटू, पहले एम वन की मल्टीप्लाई करेंगे, एम वन इंटू वाई वन इंटू जे कैप प्लस एम वन इंटू जेड वन इंटू के कैप। ये हमारी एम वन के साथ आर वन वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन आ गई हमारे पास। क्लियर बेटा? तो अब उसके बाद एम टू, एम टू की आर टू के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो एम टू की आर टू के साथ क्या करोगे, एम टू एक्स टू आई कैप प्लस एम टू वाई टू जे कैप प्लस एम टू जेड टू के कैप, और कहां तक, एन तक, तो एम एन एक्स एन आई कैप प्लस एम एन वाई एन जे कैप प्लस एम एन जेड एन के कैप आ जाएगी हमारे पास। क्लियर बेटा? तो हमने इस टाइप से ये क्या लिख दिया कि सभी की हमारे पास क्या आ गई, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म आ गई हमारे पास। तो इसको जब आप कंपेयर करोगे आई आई वाली टर्म एक साथ, आई ये वाली और ये वाली, फिर जे वाली टर्म ये वाली और ये वाली, सिमिलरली के वाली टर्म आप एक साथ रखोगे तो हमारे पास आर एक्स आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, आर एक्स इज इक्वल टू वन बाई एम एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू ये वाली, फिर ये सो ऑन अप टू एम एन एक्स एन आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली आर वाई लिख सकते हैं हम वन बाई एम एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू सो ऑन अप टू एम, यहां पे एम टू वाई टू, यहां पे एम एन ए वाई एन आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो सिमिलरली हम आर जेड लिख सकते हैं वन बाई एम एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू सो ऑन अप टू एम एन ए जेड एन आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बेटा? तो इस टाइप से हमने क्या कर लिया, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है? तो जब भी आप सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर रहे हो तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगे। सिमर आपको एक फॉर्मूला याद रखना बेटा कि अगर आप x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हो तो मास इनटू x कोऑर्डिनेट सारे के सारे, मास इनटू जो भी मास गिवन है, मींस मोमेंट से ही हमने क्या ड्राइव किया, ये सारी की सारी बातें हमने मोमेंट से ही ड्राइव की हैं। तो m1 x1 plus m2 x2 so on up to mn xn, इस टाइप से हमने क्या करना है, सीख लेना है इसको। तो हम एग्जांपल की हेल्प से इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम गिवन है तो उसमें आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये चीज आपने कंसीडर करनी है। तो हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं बेटा। एग्जांपल क्या है कि हमने मान लिया कि यहां पे एक 2 किलोग्राम का मास रखा हुआ है, दैट इज एट ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। एक हमने यहां पे मान लिया कि या 3 किलोग्राम का मास गिवन है तो उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 0 मान लिया। सिमिलरली यहां पे कोई मास दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट हमने 3 2 मान लिए और उसका मास हमने 2 किलोग्राम कंसीडर कर लिया। सिमिलरली यहां हमने कोई भी मान लिया मास, फॉर एग्जाम्पल 4 किलोग्राम कंसीडर कर लिया और उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि भाई 0.3, इस टाइप से मान लिया हमने, कोई भी हो सकता है, इसके हिसाब से करो तो 2 आ जाएगा, यहां पे 3 हो सकता है, दैट मे डिफर कि कहां कहां पे है। क्लियर बेटा? तो हमने कोऑर्डिनेट्स पता है
तो इस सिस्टम का ये पार्टिकल्स है हमारे पास, सभी पार्टिकल्स पड़े हैं हमारे पास, और इनका हमने क्या निकालना बेटा, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो आर एक्स आएगा हमारे पास। आर एक्स क्या होगा, वन बाई एम, वन बाई एम कितना, फोर टू टू एट, इलेवन हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, वन बाई इलेवन आ गया। और उसके बाद एम वन एक्स वन, एम वन अगर आप ये कंसीडर कर रहे हो तो एक्स वन ये हो जाएगा। तो एम वन इंटू एक्स वन टू इंटू जीरो, प्लस एम टू इंटू एक्स टू तो थ्री इंटू थ्री, प्लस इसके इसके साथ एम थ्री इंटू एक्स थ्री, टू इंटू में थ्री, प्लस इसके इसके साथ फोर इंटू जीरो आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बेटा? तो हमारे पास क्या आ गया, ये जीरो जीरो नाइन और सिक्स। तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा, 15/11 पे हमारा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली आप किसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो, आर वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो आर वाई के कोऑर्डिनेट वन बाई एम, वन बाई इलेवन, फिर उसके बाद क्या, एम वन वाई वन, एम वन वाई वन टू इंटू जीरो लिख दिया, प्लस एम टू इंटू वाई टू क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया, प्लस एम थ्री टू इंटू वाई थ्री टू, प्लस फोर इंटू में थ्री। तो हमारे पास क्या आ गई, ये फोर और ट्वेल्व कितना आ गया हमारे पास, टोटल 16/11 आ गया। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए बेटा, 15/11 एंड 16/11 आ जाएंगे। तो इस वे में आप क्या कर सकते हो बेटा, सभी के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो इसमें हम काफी सारे सिस्टम की बात कर सकते हैं, देर आर डिफरेंट वेज, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास यही है कि इसी फॉर्मूले का यूज करके बार बार। अब क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर क्या हो सकता है, ट्राइंगल हो सकती है, इसके अंदर क्या हो सकता है, पेंटागन हो सकती है, हेक्सागन हो सकता है, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। उसके क्या होंगे हमारे पास, अगर कॉर्नर पे जहां जहां हमने रखा हुआ है मास, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी फॉर्मूले का यूज करके, हम थ्री डायमेंशन होगा तो हम क्या कर लेंगे, तीनों के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे, दैट नॉट ए बिग डील। क्लियर बेटा? तो सिमिलरली अगर आप इसी केस में ट्राइंगल की बात करें कि हमने एक ट्राइंगल कंसिडर कर ली, ठीक है बेटा, तो ट्राइंगल के साइड दे रखी है क्या, ए दे रखी है बेटा। ट्राइंगल की साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। तो उस केस में आपने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है उसका, कर सकते हो, वेरी गुड। तो स्टेटमेंट देखो कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा। कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड ए। साइड ए की हमारे पास क्या बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमने क्या करना है बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के आपने क्या करना बेटा, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो हमने सोचा कि लेट ए बी द साइड और ये वाला पोर्शन हमने क्या मान लिया बेटा, जीरो जीरो मान लिया, और ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, ये वाले कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे अपने आप, क्या आ जाएंगे, ए कॉमा जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमने सोचा कि कैसे कैलकुलेट करें इसके कोऑर्डिनेट। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां से अगर आप इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा ये वाला पोर्शन। तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गया कितना, हमारे पास ए बाई टू आ गया हमारे पास। सिमिलरली आप किसको फाइंड आउट कर सकते हो, वाई को फाइंड आउट कर सकते हो। ये ए, ये कितना हो गया हमारे पास ए बाई टू, ये एंगल कितना 60, तो ये आ जाएगा हमारे पास, कर सकते हो बेटा फाइंड आउट। इसके नेमिंग रख दो यहां पे ए बी
और ए सी, ये हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। मीन्स हमने क्या फाइंड आउट करना है, एडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एडी डिवाइड बाई, एडी डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा हमें, ये वाली वैल्यू गिवन है या ये वाली, कोई किसी को भी आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो एडी डिवाइड बाई ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस, क्या आ गया बेटा, साइन 60 आ जाएगा हमारे पास। तो साइन 60 कितने होता है, रूट थ्री बाई टू, और एडी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास रूट थ्री बाई टू इंटू ए बी, दैट इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू ए आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बेटा, कोई डाउट यहां तक? तो चलो ए बाई टू एंड यहां पे रूट थ्री बाई टू ए आ जाएगा। क्लियर बेटा, तो हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए के हर एक कॉर्नर पे। मान लिया हमने कि 2 किलोग्राम का मास रखा हुआ है, यहां भी क्या रख दिया बेटा हमने 2 किलोग्राम का मास रख दिया, यहां भी क्या रख दिया हमने 2 किलोग्राम का मास रख दिया। तो हर एक कॉर्नर पे हमने क्या मान लिया कि 2 किलोग्राम का मास रखा हुआ है। क्लियर, तो सिमिलर अब इसकी क्या कर सकते हो आप, फाइंड आउट कर सकते हो कोऑर्डिनेट्स को। कैसे फाइंड आउट करोगे, 1 बाई एम, 1 बाई एम कितना हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना हो गया हमारे पास 1 बाई 6 हो गया। तो 1 बाई 6 m1 x1 2 into 0 प्लस m2 x2 2 into a प्लस m3 x3 तो 2 into a by 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया हमारे पास 1 by 6, 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3a, तो क्या आ गया हमारे पास rx की वैल्यू a by 2 आ जाएगी। क्लियर बेटा, तो rx मतलब यहां कहीं लाई कर रहा होगा, इस लाइन के ऊपर हमारा मास, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट लाई कर रहा होगा। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो बेटा, ry लिख सकते हो, ry में क्या होगा 1 by m, m1 y1, तो 2 into 0 प्लस m2 y2, 2 into 0 प्लस m3 y3, 2 into क्या आ गया बेटा रूट 3 by 2 a आ गया हमारे पास। ये टर्म क्या होगी बेटा, 0 होगी, ये क्या आ गया हमारे पास रूट 3 by 6 a आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बेटा, ठीक है, इसको फर्दर क्या कर सकते हो, रूट थ्री बाई टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री, रूट थ्री से रूट थ्री क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा ए बाई टू रूट थ्री आ जाएगा। तो जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे बेटा ए बाई टू एंड ए बाई टू रूट थ्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो किसी भी शेप का। तो डजंट मैटर कि क्या गिवन है, हमें हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेशन कर सकते हैं सिंपल। हमारे पास क्या, अगर आपने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएं, मींस m1 x1 m2 x2 इस टाइप से हमें क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके क्या करना है बेटा, सीधा फॉर्मूला इनपुट करना है। फॉर्मूला कहां से ड्राइव किया था हमने, मोमेंट ऑफ मास से ड्राइव किया था, ठीक है, जहां जरूरत होगी मोमेंट ऑफ मास को हम सीधा अप्लाई कर देंगे, और जहां एज इट इज फॉर्मूला में रखेंगे तो वहां एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बेटा, ठीक है।